ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूंगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी को सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा कि यार आप सभी को दोनों मॉडल को ऐड कैसे करना है। तो गाइस, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी मैं वीडियो में समझा ही दूंगा। तो चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को पिक्सआर्ट ऐप में आप सभी को ये मिल जाएगा, ये बैकग्राउंड जो सा भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपको क्रॉप में जाके आपको ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन ले लेना है इंस्टाग्राम का। एंड यहाँ पे आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर करना है, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने दोनों मॉडल के फोटो को ले लेना है, जो आप सभी को यहाँ पे पीछे आप ऐड करना चाहते हो वो दोनों फोटो आप सभी को ले लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो मतलब ये वाला हिस्सा जो है, इसको इस साइड को ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस साइड को लगाना है। एंड ये रियल फोटो में भी इस साइड ही है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से फुल करके ऐसे कुछ लगा देंगे। एंड इसका जो दूसरे वाला है, इसको भी हम फुल साइज करेंगे, इसको भी हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है गाइस, अभी हमें जो ये दूसरे वाली जो फोटो है हमारी, इसको हमें ऊपर की तरफ लाना, तो इसको हम यहाँ पे इरेजर के ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसको अप कर लेंगे। एंड कुछ इस टाइप से हम जो इसकी शेडो के हिसाब से हम इसको मिलाएंगे एंड इसको हम देखेंगे कि हमें इसको कहाँ रखना है मॉडल को, ठीक है। तो हम शेडो के हिसाब से मिला लेते हैं यहाँ पे पहले। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा गाइस, ये फोटो जो है मेरी थोड़ी ऊपर, ये वाली जो फोटो है ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी ओपेसिटी कम करते हैं पहले। एंड इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं एंड यहाँ से इतना परफेक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, अभी हम पहले इसकी ओपेसिटी फुल कर लेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा मतलब कि इरेजर टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो हमारा दूसरा वाला मॉडल का हैंड भी दिखाना है, तो उसके लिए अब यहाँ से इरेजर टूल में चलेंगे। इरेजर पर क्लिक करेंगे, हार्डनेस कम कर लेंगे, ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। यहाँ पे गाइस थोड़ा साइज़ छोटा करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हम साइज़ को छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ से जो है ऐसे ऐसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को कुछ स्टेप से करना है, जब आप मतलब कि दो फोटो जो आपकी कोई होगी, मतलब कि आप क्लिक करवाओगे, तो कुछ स्टेप से करवा के एंड कुछ स्टेप से आपको इरेज कर लेना है। एंड गाइस, फोटो जो आपको क्लिक कराओ, तो अगर यार अगर आपके पास ट्राइपॉड हो तो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब इससे फोटो एकदम सेंटर सेंटर में क्लिक हो जाएगी, तो यार काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि ट्राइपॉड से हो जाए, वरना मतलब हैंड से भी क्लिक करोगे तो हो जाता है, ठीक है, बट ट्राइपॉड से ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, ठीक है। बट अब उसके बाद आप सभी गाइस क्या कर रहे हैं, अब जो है गाइस नीचे की तरफ जो है हमारा एरिया यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे रह गया है, ठीक है। अब तो अब इसको हम फिल करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे हल्का सा इरेज करते हैं। एंड अब गाइस, आप सभी को जो दूसरे वाली फोटो है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड पूरा है, अब हम उस फोटो का यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद हम इसको हम सेम साइज़ में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, सेम साइज़ में। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ऊपर से पहले पूरा इरेज कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इरेजर क्लिक कर दे एंड यहाँ से हमें साइड से कुछ इस टाइप से एंड थोड़ा सा हम इस साइड से भी कर देंगे। तो गाइस देखिए, परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसको कर देंगे डन। ओके गाइस, सो हमारे दोनों मॉडल एकदम यहाँ पे लग चुके हैं। अब गाइस, आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को अब इसमें एक मैं एक PNG दूंगा, ठीक है, विगनेट का, आपको उसको ऐड करना है। एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बीच में ले आता हूँ एंड कुछ इस टाइप से आपको बीच में ला के एंड कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पे हम एंड यहाँ पे हम ऊपर वाला डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करें, डन कर देते हैं। तो गाइस परफेक्ट है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में एंड इसका आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड इसका हाईलाइट बढ़ा देना है, सॉरी हाईलाइट कम कर देना एंड शेडो बढ़ा देना है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका जो वाइट है इसको आपको कम रखना है, ठीक है। एंड इसका जो ब्लैक है इसको भी आप थोड़ा बढ़ा देना है यार, क्योंकि फोटो में ज़्यादा शेडो है, तो ब्लैक बढ़ा देंगे। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ से अपने कलर्स वाले ऑप्शन में, इसके वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे हम कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे अपने फेस के अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी है। फिर जाएंगे डार्क ब्लू में, इसका आप सैचुरेशन चाहो तो बिल्कुल माइनस कर सकते हो अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए, बाकी आप हल्का माइनस भी कर लेना। बाकी चलते हैं येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस सैचुरेशन प्लस एंड यहाँ पे कर देंगे डन। एंड उसके बाद कलर के नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे एंड फोटो में जो विगनेट है वो डाल देंगे, ठीक है, विगनेट डाल देंगे हल्का सा। एंड उसके बाद चलेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्रीन अमाउंट, इसको बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है गाइस हम इसको बढ़ा देंगे एंड गाइस जो नॉइज रिडक्शन हम इसको बढ़ा देंगे एंड नीचे लास्ट में कलर नॉइज रिडक्शन हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली फोटो का रिजल्ट आया जो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।